मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस टोनर। और गाइस फेस टोनर बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को क्लींजिंग करता है, मॉइस्चराइज रखता है, ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, अगर आपकी स्किन पर डस्ट है उसे भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। और गाइस फेस टोनर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और गाइस इसको बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें मैंने कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। और गाइस इसको बनाने के बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, क्लींस करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें हाफ कप वाटर ऐड करना है। आप इसमें मिनरल वाटर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास मिनरल वाटर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा हमारी स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करता है तो उसे हमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है जिससे स्किन मॉइस्चराइज रहती है, एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे सन बर्न और एक्ने को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। तो गाइस ये टोनर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वाटर में हमारा जो एलोवेरा जेल है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून रोज वाटर। और गाइस रोज वाटर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। इसके अंदर जो पीएच लेवल होता है वो हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पानी में दोनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो गाइस अब हमारा टोनर रेडी है। अब आप इसे एक स्प्रे बॉटल में डालकर इसे अच्छे से यूज कीजिए। मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर स्प्रे वाटर में डाल दिया है। अब इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस इस टोनर को यूज करने के लिए आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर इसको स्प्रे बॉटल से अपने फेस पर स्प्रे करके इसे अप्लाई करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे कॉटन को डिप करके भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉटन से इसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ। तो गाइस आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, इसको बनाना भी बहुत इजी है और इसके अंदर सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आपकी स्किन को क्लींस करेगा, अगर आपकी स्किन पर डस्ट है उसे भी रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो गाइस ये है हमारा DIY स्किन टोनर, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ ये आपकी स्किन को क्लींस करेगा और क्लियर बनाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।